एक्सप्रेस देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी राशिफल के ऊपर। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज आपका दिन जो है कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आज के दिन आपको लाभ कितना मिलेगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम मेष राशि के साथ। अब मेष राशि के जितने भी लोग हैं, जातक हैं, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। तो इसके ऊपर हम चर्चा करने की कोशिश जो करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के ऊपर। मेष राशि के जितने भी लोग हैं, जातक हैं, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। जरा अगर हम बात करें मेष राशि के जातकों की, तो आज के दिन का आपका गुजारा बड़े ही अच्छे तरीके से हो पाएगा और आज के दिन आप लोग बहुत ही ज़्यादा आनंद तरीके से जो वो रह पाएंगे, आपका बड़े ही अच्छे तरीके से आज का दिन जो वो स्पेंड हो पाएगा। जीवन साथी भी आपको आज के दिन बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट जो वो करने वाले हैं। अगर आप लोग मैरिड है तो जीवन साथी का सहयोग आज के दिन आपको मिलने वाला है। नौकरी चाकरी की स्थिति भी आपकी अच्छी खासी जो वो बताई जा रही है। स्वास्थ्य भी आपका बिल्कुल फिट एंड फाइन जो वो रहने वाला है और व्यापार भी बहुत अच्छा आपका बताया जा रहा है। आज के दिन हरी वस्तु का इस्तेमाल आप लोगों के लिए करना आज के दिन फायदेमंद जो वो रह सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मेष राशि के भी जातक है, आज के दिन का आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो वो रहने वाला है। आपका जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो काफ़ी ज़्यादा आनंददायक जो रहेगा, जिसके चलते आपका मूड भी काफ़ी ज़्यादा जिंदा दिल जो रहेगा। अगर आप लोग मैरिड है तो आज के दिन आपके जो जीवन साथी है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कोऑपरेट करने वाले हैं। नौकरी चाकरी की स्थिति भी आपकी बिल्कुल ही ज़्यादा नॉर्मल जो बताई जा रही है। स्वास्थ्य भी आपका बिल्कुल फिट रहेगा और आज के दिन आपकी जो व्यवहारिक दशा है वो भी अच्छी बताई जा रही है। हरी वस्तु का इस्तेमाल आपको आज के दिन करना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं वृषभ राशि के ऊपर। अब वृषभ राशि के जितने भी लोग हैं, जातक हैं, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। अगर हम बात करें वृषभ राशि के जातकों की, तो आज के दिन शत्रु भी आज के दिन आपके जो मित्र है वो बनने की कोशिश जो वो कर सकते हैं। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा और व्यापारिक दशा भी आपकी अच्छी बताई जा रही है। हरी वस्तु आप लोगों को भी अपने पास जो भी रखनी है, क्योंकि आज के दिन का सितारा आप लोगों का अच्छा बताया जा रहा है। जितने भी वृषभ राशि के जातक है, शत्रु आज के दिन आपके जो एनिमीज है, बहुत ही ज़्यादा कट्टर शत्रु है, वो भी आपको मित्र बनाने के लिए आगे जो वो बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहेगा और आपके जो प्रेम संबंध है वो भी अच्छे रहेंगे। व्यापारिक दशा आपकी बिल्कुल अच्छी बताई जा रही है। हरी वस्तु का इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए, चाहे हरी दाल होगी, हरा कपड़ा हो गया, ऐसी तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इससे आपका क्या रहेगा, आपका जो दिमाग है वो भी ऊर्जापूर्ण जो रहने वालेगा और इसके चलते आपका दिन जो वो आज का वृषभ राशि के जातकों का अच्छा रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के जितने भी लोग हैं, जातक हैं, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन आप लोग डिसीजन मेकर बन सकते हैं, यानी कि अच्छे डिसीजन आप लोग आज के दिन ले पाएंगे और आज के दिन का आपका सितारा भरपूर लाभ वाला हो सकता है। और अगर आप लोग कोई भी पोइट्री लिखते हैं तो उसके लिए भी आपका सितारा आज के दिन का अच्छा बताया जा रहा है। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा, व्यापारिक दशा भी आपकी अच्छी बताई जा रही है और आज के दिन आपको काली माता जी की सेवा जो वो करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद आज के दिन आपको लेना चाहिए। बाकी आपका आज का दिन शुभ रहेगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं मिथुन राशि के ऊपर। आज के दिन आप लोग डिसीजन मेकर जो वो बन सकते हैं, यानी कि आज के दिन आप लोग अच्छे ही निर्णय जो वो लेंगे और आज के दिन आपकी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ सकती है। कवियों के लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग फिजिकली एज वेल एज मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। व्यापारिक दशा अच्छी है, काली माता जी की आज के दिन आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। बाकी आज का दिन आपका शुभ रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के जितने भी लोग हैं, जातक हैं, वो सुन लीजिए अपने राशिफल को। आज के दिन अगर आप लोग किसी भी जमीनी कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज के दिन ऐसे कार्यों में आपको उपलब्धि जो वो मिल सकती है और आज के दिन घर में भी सुख शांति का माहौल आज के दिन बना रहेगा। आपके स्वास्थ्य में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार जो वो पहले से देखने को मिल रहा है और लाल वस्तु आज के दिन आपके पास जो वो होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कर्क राशि के जितने भी लोग हैं, आज के दिन अगर आप लोग किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं या फिर आप लोग कोई भी नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, कोई भी आप लोग ज़मीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं, कोई भी ज़मीनी स्तर पर आपका कोई कार्य चल रहा है, आज के दिन ऐसे कार्यों को अगर आप लोग आगे बढ़ाते हैं तो उत्तम लाभ आप लोगों को मिल सकता है। घर में भी आज के दिन पॉजिटिव वे में एनर्जी जो वो आती हुई नज़र आ रही है। बाकी आपके स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा सुधार जो वो देखने को मिल रहा है। बाकी लाल वस्तु आपके पास होनी चाहिए आज के दिन। बाकी आपका दिन आज का शुभ रहेगा कर्क राशि के जातकों का। चलिए आगे बात कर लेते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि के जितने भी लोग हैं, जातक हैं, वो जरा भी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन
आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। सॉफ्ट सपोर्टिव रुख आपके प्रति जो वो लोगों का रहेगा। स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा सुधार जो वो देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग कोई भी कार्य करते हैं आज के दिन तो उत्तम लाभ आपको मिल सकता है उसमें। बाकी आज के दिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। सफ़ेद चीज़ का आप लोगों को सेवन करना है, या फिर आप लोग अगर दान नहीं करना चाहते हैं तो अपने पास कोई भी वाइट रंग की कोई भी वस्तु अपने पास रख सकते हैं। वाइट हैंकी ही क्यों ना हो गया, कोई भी चीज़ आपके पास सफ़ेद रंग की होनी चाहिए। सिंह राशि के जितने भी लोग हैं, जातक है, आज के दिन का आपका सितारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन आपके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी जो वो आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक आज के दिन आप लोग रहेंगे। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा और बाकी आपकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बताई जा रही है। अगर आप लोग कोई भी व्यापार करते हैं, खुद का कोई भी बिजनेस आप लोग चला रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको आज के दिन काफ़ी ज़्यादा फायदा जो वो मिल सकता है। आर्थिक दशा आपकी सुधर सकती है। बाकी आज के दिन आप लोगों ने सफ़ेद वस्तु का सेवन करना है और अपने पास आप लोग रख सकते हैं। बाकी आपका दिन आज का शुभ रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के जो भी लोग हैं, जातक है, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन आपको धन में काफ़ी ज़्यादा लाभ जो वो देखने को मिलेगा और आज के दिन आप लोगों को कटु वचन नहीं बोलने हैं, किसी के सेंटीमेंट्स आप लोगों ने हर्ट नहीं करने हैं। बाकी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध भी आपके अच्छे बताए जा रहे हैं और व्यापारिक दशा भी आपके अनुकूल ही बताई जा रही है। लेकिन आज के दिन आपको काली माता जी को प्रणाम करना चाहिए। कन्या राशि के जितने भी लोग हैं, आज के दिन आपकी आर्थिक दशा अच्छी बताई जा रही है। कटु वचन आप लोगों को नहीं बोलने हैं, किसी के सेंटीमेंट्स आप लोगों ने हर्ट नहीं करने हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थिति भी आपकी नॉर्मल ही बताई जा रही है। बस आप लोगों ने पूजा अर्चना करनी है, बाकी आपका दिन आज का शुभ रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि के जितने भी लोग हैं, जातक है, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन आपकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है। स्वास्थ्य भी आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा क्रोध हो सकता है, आपका मन थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी चीज़ों में आप लोगों ने इन्वॉल्व नहीं होना, गलत चीज़ों में ना जाइएगा आज के दिन। किसी की भी कहासुनी में बिल्कुल भी मत पड़िएगा और आज के दिन पीली वस्तु आपको दान करनी चाहिए। तुला राशि के जितने भी जातक है, आज के दिन आप लोगों ने किसी भी बातों में नहीं पड़ना है, किसी भी गलत मार्ग पे आप लोगों ने नहीं जाना है। बाकी आपकी स्थिति आज के दिन अच्छी बताई जा रही है, स्वास्थ्य अच्छा बढ़ेगा। लेकिन आज के दिन आपका जो मन है वो थोड़ा सा नेगेटिव वे की ओर आगे ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, नेगेटिविटी को दूर रखने की कोशिश जो करनी है। ऐसे अगर आपका मन थोड़ा सा प्रभावित होता है तो आप लोगों ने पूजा अर्चना कर लेनी है, जिससे आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी। तो ये था तुला राशि के जातकों का आज का राशिफल। चलिए आगे बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं, जातक है, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन अगर आप लोग मैरिड है तो मैरिड लोगों के लिए एक थोड़ी सी चेतावनी रहेगी। अगर आपके बच्चे भी हैं तो सेहत के प्रति बच्चों का ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी व्यापारिक दशा, कामकाज की दशा दोनों ही अच्छी बताई जा रही है। लेकिन आज के दिन थोड़ा सा मेंटली प्रेशर आपका बढ़ सकता है, काली वस्तु का आप लोगों को दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों की मैं बात कर रही हूँ, आज के दिन अगर आप लोग मैरिड है, आपकी संतान है, तो संतान के प्रति आप लोगों को थोड़ा सा सचेत रहना होगा। और बाकी आपकी पारिवारिक दशा अच्छी है, आज के दिन आपका जो मानसिक तनाव है वो बढ़ सकता है, इसलिए आज के दिन थोड़ा सा आप लोगों को अलर्ट ही रहना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी में कोई भी कार्य आपको नहीं करना है, काली वस्तु का दान करें। बाकी आपका दिन आज का मंगलमय रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का। चलिए आगे बात कर लेते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि के जितने भी लोग हैं, जातक है, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए एक बार। आज के दिन आपके जो पारिवारिक दशा है धनु राशि के जातकों की अच्छी बताई जा रही है। अगर आप लोग किसी भी कोई भी वाहन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपका मन जो वो परेशान रह सकता है। स्वास्थ्य आपका मध्यम जो वो रहेगा। बाकी आपकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी गड़बड़ी वाली रह सकती है। व्यापारिक दशा आपकी अच्छी है, लाल वस्तु अपने पास आपको रखनी चाहिए। धनु राशि के जितने भी जातक है, आज के दिन घरेलू सुख आपको जो वो अच्छे लगते हुए नजर आएंगे, यानी कि पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी बताई जा रही है। अगर आप लोग कोई भी भूमि के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर आप लोग कोई भी भूमि लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर वाहन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें आपका थोड़ा सा मन परेशान रह सकता है। स्वास्थ्य आपका माध्यम रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिल सकती है और आज के दिन लाल वस्तु अपने पास आपको रखनी चाहिए।
यादव जी आपकी कुंभ राशि है। हाँ जी, चलिए कुंभ राशि के ऊपर बात कर लेते हैं। आज के दिन धन हानि के संकेत जो वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यादव जी आपकी कुंभ राशि है तो आज के दिन धन हानि आप लोगों को हो सकती है, आपके खर्चे आज के दिन बढ़ सकते हैं, इसलिए आज के दिन किसी भी प्रकार की कोई भी लॉटरी ना लगाएं। अगर आप लोग कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे जो वो डूब सकते हैं। बाकी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आज के दिन थोड़ी सी आपकी आंख में थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, आंख खराब हो सकती है जो भी कुंभ राशि के लोग हैं। बाकी आपका दिन आज का अच्छा रहेगा, व्यापारिक दशा अच्छी है, कामकाज की दशा भी अच्छी है। हरी वस्तु आज के दिन आप लोगों को अपने पास रखनी है। अगर आप लोग ग्रीन, आपके पास कोई हैंकी वगैरह है तो आप लोग उसके अपने पास जो भी रख सकते हैं जिससे आपके ग्रह थोड़े से शांत रह पाएंगे। कुंभ राशि के जितने भी जातक है एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, यादव जी कुंभ राशि आज के दिन किसी भी लेन देन के कार्यों में मत उलझिएगा क्योंकि आज के दिन धन हानि आप लोगों को हो सकती है। किसी भी लॉटरी में अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और आज के दिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी सी आंखों में दिक्कत हो सकती है। और बाकी आपका दिन आज का अच्छा रहेगा, हरी वस्तु का सेवन आप लोगों को आज के दिन कर लेना चाहिए कुंभ राशि के जातकों का। तो ये था जाधव जी आपका कुंभ राशि, आपका दिन आज का अच्छा ही बताया जा रहा है लेकिन आज के दिन कहीं पे भी पैसे आपको इन्वेस्ट नहीं करने हैं, इसमें थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के जितने भी लोग हैं जातक हैं वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन आपको थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है मकर राशि के जातकों को, नाक कान गले में थोड़ी सी परेशानी आपकी बढ़ सकती है, स्वास्थ्य इसलिए आप लोगों का इतना अच्छा नहीं रहेगा। बाकी आपकी व्यापारिक दशा अच्छी रहेगी और आज के दिन आप लोग एंजॉय जो वो कर पाएंगे, एक्साइटेड तो रहेंगे आप लोग लेकिन आज के दिन आपका मूड भी काफ़ी ज़्यादा जिंदा दिल जो वो रहेगा और आज के दिन आपको काली माता जी को प्रणाम करना चाहिए। बाकी आपका दिन कुंभ राशि के जातकों का अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में थोड़ी सी आपको परेशानियां हो सकती है, बाकी आपका दिन आज का अच्छा रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि सबसे अंत वाला राशिफल हमारा रहेगा, इसलिए मीन राशि के जितने भी लोग हैं जातक हैं वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन आपका जो ऊर्जा है यानी कि आपका जो लेवल है, मोरल है आपका, वो थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि आपका किसी भी कार्य में आज के दिन मन नहीं बनेगा, आपके मन में थोड़ी सी नेगेटिविटी जो वो प्रभावित हो सकती है, नेगेटिव वे में आप लोग ज़्यादा सोच सकते हैं, इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, नेगेटिव चीज़ों से थोड़ी सी आप लोगों को आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। आपका मन थोड़ा सा घबराहट वाला रह सकता है, घबराहट हो सकती है, बेचैनी आपके मन में जो वो हो सकती है। बाकी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यापार भी आपका लगभग ठीक ही बताया जा रहा है। काली वस्तु का आप लोग दान जो वो कर सकते हैं या फिर अपने पास जो वो रख सकते हैं काली वस्तु। तो ये था मीन राशि के जितने भी जातक है, आज के दिन आपका जो मोरल है वो थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आ सकता है। आज के दिन नेगेटिव वे में आप लोग ज़्यादा सोच सकते हैं जिससे आपका मन थोड़ा सा बेचैन जो वो रह सकता है और व्यापार भी आपका लगभग ठीक ही बताया जा रहा है लेकिन आज के दिन काली वस्तु आपको दान करना आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो ये था आज का सबका राशिफल, वो मैंने आपके समक्ष रख दिया है। अगर हमारे दर्शकों को कोई भी कंफ्यूजन है राशि से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य वो पूछ सकते हैं। फिलहाल अगर आपको राशिफल नहीं पता चल रहा है कि आपका नाम राशि कौन सा रहने वाला है तो आप हमें अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप तमाम दर्शक अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।